प्यारे खालसा जी, गज के बलाओ फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे जे कि अज दा प्रोग्राम जिहड़ा वा उह सिखां दी आजादी, पंजाब खालिस्तान दी आजादी वास्ते हो रहा वा। इस दे वास्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल सोसायटी ते सिख कल्चर सोसायटी दा मैं बहुत धन्यवाद करदा वा कि जिन्होंने ये प्रोग्राम किया। हुण तुसी मेरे तो पहला जिहड़े आ बहुत सियाने ते मशहूर आगू जिहड़े आ उन्हां दे तुसी विचार सुने ने, तो मैं उस तो अगे तुम खड़ा वा क्योंकि जो चीज़ा वो कही गई ने उन्होंने दोबारा कह का कोई फायदा नहीं। हूँ भल के 15 अगस्त में हिंदुस्तान के लोग आजादी मना रहे हैं, पर सिखा आजादी नहीं मिली, ये साढ़े वास्ते काला दिन है कि सिखा की गुलामी दंजीर इन दी प्रोसैस जिन्हों कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर। अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर करके सिखा की जी गुलामी से जंजीर हिंदुस्तान में दे दतिया, तो होया कि जी गुलामी अंग्रेजों ने सी इट वॉज नॉट दैट बैड, बट इट वॉज बैड, बट नाउ इज इवन वर्स। हूँ हिंदुस्तान सिखा की होंद में खतरा है, सिखा की होंद उत्ते, सिखी उत्ते, सिख गुरद्वारे उत्ते, गुरु ग्रंथ साहब उपर हमले हो रहे हैं, साढ़े किसानों जरा वा मजबूर किया जा रहा कि वह खुदकशियां कर, जवानों नौजवानों नशे बन बन के उन्होंने जड़िया ने मौत हो रही ने। सिखा ने बड़ी कोशिश की आ कि वह हिंदुस्तान रहना चाहते सी, पर जदों भी सिखा ने गलबात करने की कोशिश की आ तो सानू टैरोरिस्ट सेपरेटिस्ट अतवादी वक्वादी देशद्रोही कहते ने, वह लोग जड़े के कल के बहादुर कौम से जिन्होंने 80% कुर्बानियां की थी, अगले दिन वह देशद्रोही हो गए। 1947 तो लैके जो कुछ हुण तक हुंदा रहा वा इस तो पंजाब दे लोकां ने आम करके ते सिखां ने खास करके यह समझ लिया वा कि जे पंजाब दे लोकां ने अपने हक लैने ने ते अपनियां आउण वालियां नसलां दी जिहड़ी जिंदगी बदलनी आ ते पंजाब नूं आजाद करना पएगा। थोड़ा जिहा हिस्टरी वाले जाइए ते सब तो पहला 1621 विच गुरु हरगोबिंद जी ने सिख राज कायम किया सी मुगल अंपायर दे विच, इट वॉज ए सिख स्टेट विद इन द मुगल अंपायर, ते पहली जंग जिहड़ी सी गुरु साहब की मुगलों नाल 1628 अमृतसर विच होई जिहदे सिखां की जित होई। इस तो बाद जिस तरह तुसीं वेख्या कि अज आपां बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिन मना रहे हैं और इन्होंने सिख राज सी कायम किया 1709 या 1710 के। फिर उस तो बाद बघेल सिंह ने दिल्ली उते अपना झंडा लहरा के दिल्ली नूं जित्या सी, 1799 महाराज रणजीत सिंह का राज कायम होया जिहड़ियां मिसलां कट्ठी होईयां, पर 1849 के वह साढ़े को फस गया ते 98 साल तक अंग्रेजां ने पंजाब के इलाके की कोई तोड़ मोड़ नहीं की। ज्यों ही 1947 बनी जिहड़े सानूं के वादे किए जाते मेज से मार मार मुके जी तुहानूं आजादी देंगे जी, तुहानूं एक नॉर्थ ईस्ट तुहानूं ऑटोनमस स्टेट मिलेगा, तुहाडा धर्म सैक्शन होगा, वह सारिया उड़ गई हवा दे विच ते पंजाब दे टोटे होने शुरू हो गए 1947। ये सारी हिस्टरी किस तरह के सिखां की नसलकुशी की जा रही है की हुई हूँ, साड़ी जिहड़ी आर्थिक नसलकुशी की जा रही है, यह सारिया गलां तुहानू पता वा। हुण जे बंदा सिंह बहादुर की आपां याद में दिन मना रहे हैं तो मैसेज की सी बंदा सिंह बहादुर का या गुरु हरगोबिंद जी का मैसेज सी, जे मीरी पीरी का सिद्धांत क्यों बनया, जिहड़े सिख कहिंदे नहीं खालसा की लोड़ नहीं, पर वह मीरी पीरी तो पहलों जान लैन तो उन्होंने अपना भी पता लग जाएगा भी सिखां नूं आजादी क्यों चाहिए आ, तो उस आजादी लैण वास्ते हुण आपां करवा रहे हैं पंजाब इंडीपेंडेंट रेफरेंडम
पंजाब इंडिपेंडेंट फ्रंडम जरा वा एक लीगल डेमोक्रेट ते कानूनी तरीका वा जिस दे नाल होर कई देश नाल होए ने ते आपां वी देश ओ जरा वा आजाद कर सकदे आ। पंजाब इंडिपेंडेंट फ्रंडम जरा वा इंडिपेंडेंस पंजाब रेफरेंडम कमीशन थले किया गया वा जिहदे के सब दुनिया दे जिहड़े ने मार ने कोई बैलट ना मार आ कोई डेमोक्रेसी का कोई इंडिपेंडेंस का कोई रेफरेंडम का जी अगवाई रेफंडम हो रहा वा रेफंडम करा के लोग आजाद हुए ने साडा अनऑफिशियल रेफंडम आ अनऑफिशियल रेफंडम करा के लोग आजाद हुए ने यह आजादी जी जिन्हें तुम गल करते रोज घर सिखा ना बड़ा जरा माड़ा होया सिखा ना बड़ी बेइंसाफी हुई पर हम रेफंडम या वोटा वास्ते तैयार हो हूं जे ते जरा वा ती कहो ओनस जिम्मेवारी हुण तुहाडी आ तुसीं आपां गल्लां ते करदे आ पास दी सिखां ने इन्नियां मारां मारियां पर इहड़ियां जिहड़ियां सिखां ने मारां मारियां ने इहदा मतलब कि जदों जदों भी सिखां नूं लोड़ पई उह आ के मैदान च उतरे ते उहनां ने अपना जिहड़ा पर्पस सी उहनां ने अपनी जिम्मेवारी निभा दित्ती। हुण जिम्मेवारी आ अपनी सारिआं दी हुण साडी जिम्मेवारी आ हुण तुसीं किंतु परंतु नहीं कर सकते जी रिफंडम की हुंदा जी रिफंडम किस तरह होएगा जी रिफंडम ते देश कराउंदे ने जी रिफंडम इंटरनेशनल कराउंदे ने अनऑफिशियल रिफंडम होए ने अनऑफिशियल रिफंडम ना इटली जिहड़ा सी सब तों पहला देश आजाद होया सी जदों के 1849 दे विच जिहड़ा सी 1840 दे विच इटली दा अनऑफिशियल रिफंडम होया सी उस तों 20 साल बाद उहनां नूं आजादी मिल गई। सो अनऑफिशियल रिफंडम दे रिजल्ट तुसीं वेख लए ने कि जदों 31 अक्तूबर नूं यूके लंडन विच रिफंडम दीआं वोटां पईआं तिन्ना महीनिआं बाद जिहड़े सी किसान कानून लैंड जिहड़ा कानून सी उह खत्म हो गए। इह आ तुहाडी वोट दी ताकत बिल्कुल किसान उत्थे बैठे होए सी जूड़ साल दे पर गवर्नमेंट कहिंदी सी असीं नहीं कोई करना तुसीं घर नूं जाओ देयर इज़ नो टॉकिंग अबाउट टेकिंग दीज फार्म लॉज बैक बट वंस द वोटिंग हैपन 3 weeks तक मोदी to denounce those laws. इस करके ये वोटां जिहड़ियां ने यूके च हो चुकियां ने इटली च हो चुकियां ने स्विट्जरलैंड च हो चुकियां ने हुण ये वोटां पैणियां ने कैनेडा दे विच। कैनेडा दे विच जिहड़ी आ उह 18 सितंबर ऐतवार नूं वोटां पैणियां ने टोरंटो दे ब्रैंटन शहर विच सारे अरेंजमेंट हो चुके आ सारियां संगतां नूं जिहड़े कि इत्थे बैठे होए जे जां जिहड़े सुन रहे ने कि तुसीं अपने रिश्तेदारां नूं अपने फ्रेंड नूं कालां करो ते उहनां नूं कहो कि वोटां पाउण वोटां पा के आपां देश आजाद करना वा। ए एक जिहड़ा वा शक्तिशाली एक पैन आ जिहड़ा कि मोस्ट पावरफुल वैपन आ जिहड़ा कि वैपन हिंदुस्तान नूं असीं जिहड़ा वा उहनां तों अपना पंजाब वापस करके कढ लिआउणा वा। इस तों बगैर साडा कोई गुजारा नहीं। तुसीं फिर कहिंदे तुसीं सुणी जी लीडरशिप नहीं जी सानूं मिली लीडरशिप गुलामां दी कड़ी लीडरशिप होंदी आ जिहड़े जे जिहड़ी असीं 9 वारी पंजाब सरकार जिहड़ी सी उह डिसॉल्व कर दित्ती गई 22 दी इंडियन गवर्नमेंट गवर्नर दा रूल आ गया कड़ी लीडरशिप तुहाडे उत्ते कम करेगी। फिर तुसीं तुहानूं सुणिआ भाई साहब तों कि हिंदुत्वा जिहड़े ने उह बड़ा जोर मार रहे ने कि उहनां दा बड़ा जोर शोर आ ते हिंदुत्वा नूं रोकणा कितना हाउ यू गोना स्टॉप हिंदुत्वा यू कैनॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग देयर थिंग्स पर यू हैव डू योर थिंग लेट्स डू अवर थिंग इज रिफंडम आपां आजादी लैनी आ। वंस यू हैव पोलिटिकल पावर डॉक्टर साहब कह के कहने वन यू हैव पोलिटिकल पावर दैन वी हैव दैन वी कैन स्टॉप हिंदुत्वा दैन वी कैन स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर दैन वी आर नॉट गोइंग टू गिव इलेक्ट्रिसिटी फ्री वी आर नॉट गोइंग टू गिव वाटर फ्री ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੀ ਰਹਿਣੋ ਕਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੰਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੈਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ। सो जे राज बिना धर्म नहीं चल सकता राज बिना हिंदुत्वा नहीं रोक सकती राज बिना तुहानू पानी नहीं रोक सकता तो फिर आजादी लो तो आजादी लैण दा तरीका रिफंडम रिफंडम दीआं वोटां होणियां आओ तुसीं वोटां पाओ। मैं तो तुहानू इन्नियां बेनतियां कर सकदा मेरा टाइम मेरा ख्याल
थोड़े मिनट है पर मैं वो यूज नहीं करने। मैं बहुत धनवादी हाँ अपने बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल सोसाइटी का, सिख कल्चर सोसाइटी का, सारी सिख कौम का जिन्होंने तुसी मैनू टाइम दिता वा। पर मैं तुहानू फ्यूचर वाले खड़ रहा हूं, मैं तुहानू मैं अपने पहले स्पीकर जिहड़े ने उन्हां दी बहुत इज्जत करदा वा, पर मैं ये तुहानू कहना चाहना वा मैं तुहानू अगे वल लेके जा रहा वा। जिहड़ी लीडरशिप हुंदी आ जिहड़ा तुहानू राह दसे कि तुसी करना की आ, भल के की करना, तुसी घर जाके की करना। असी तुहानू सिख जस्ट काउंसल ऑफ खास ने जिहड़ी आ असी दिन रात अपना मेहनत करके तुहानू यह कह रहे हां तुसी रिफंडम दी प्लेटफॉर्म ते चढ़ो। तुसी कहिंदे जी असी की करिए, असी की करिए, सारे लोग कहिंदे जी तुसी दसो जी, असी कहिंदे आ तुसी रिफंडम दी वोटां तैयार करो ते उन्हां दी वोटां पाओ। ठीक है जी, इस तरह आपां आजादी लैनी है ते लोगों ने आजादी ली आ। इनियां बेनतियां प्रवान करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंज नारे लाने आ, खालिस्तान 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 खालिस्तान, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।